अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ट्राइज विद रुबिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। आज मैं पुलाव बना रही हूँ, बिरयानी वाला पुलाव आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। बिरयानी मसाला भी यूज़ करूँगी और ये जो मेथड है वो टोटली यखनी पुलाव वाला होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है उसकी चीज़ें रेडी कर ली हैं। दही के अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 2 चम्मच बिरयानी मसाला रेडी किया है। अनियन जो है उसको फ्राई कर रही हूँ, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है मैं उसको हल्की आंच पर फ्राई कर रही हूँ, ताकि प्याज भी गल जाए और जो है उसका कलर भी चेंज हो जाए। यखनी जो है मैंने प्रिपेयर कर ली है। तकरीबन मैं 7 गिलास तकरीबन मैं जो है वो चावल बना रही हूँ, और तकरीबन 2.5 kg मैंने जो है वो चिकन लिया है। तो चिकन मैंने ज़्यादा लिया है चावलों की नस्बत, क्योंकि मैं चाह रही, क्योंकि चावलों को तकसीम करना है, और फिर जब तकसीम करना होता है तो फिर कोशिश होती है कि इक्वली जो है वो सबको जो है वो चिकन की मकदार भी जाए चावलों के साथ। तो इस वजह से मैं चिकन जो है वो ज़्यादा ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो गया था जैसा मुझे चाहिए था, तो मैंने इसको जो है वो यखनी से ही जो है पानी का छट्टा लगाया है, मतलब कि यखनी को ही यूज़ करके मैं जो है अपनी मसाला जो है वो चावलों के लिए रेडी करूँगी। तो गार्लिक जिंजर पेस्ट बना के रखा था, वो भी इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब गार्लिक जिंजर जो है वो अच्छे से जो है वो उसकी स्मेल ख़त्म हो गई, तो मैंने पानी का छिट्टा लगा के, सॉरी यखनी को यूज़ करते हुए जो है मैंने इसको मिक्स कर लिया। और फिर जो है ये टमाटर और ग्रीन चिलीज जो है वो मैंने कट करके रखे थे, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। तो बस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने अब इसको हल्की आंच पे कवर करके जो है वो उसको दम दे देना है, ताकि जो है ये प्याज और टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। अनकवर किया तो माशाल्लाह मसाला जो है वो अच्छे से गल चुका था। तो अब जो है इसकी थोड़ी सी मैंने भुनाई की, उसके बाद जो है वो बारी थी चिकन को ऐड करने की। चिकन जो है वो मैंने तकरीबन यखनी में जो है वो कुक हो गया था, बस थोड़ी सी उसके अंदर गुंजाइश थी, तो मैंने जो है इसको जो है सब स्पाइसेस सब मसाले वगैरह साथ ही ऐड कर दिए थे, ताकि एक ही टाइम पे उसकी भुनाई हो जाए। वरना ज़्यादा टाइम चिकन को अगर मैं भुनाई करती तो उसकी जो चिकन को जो है वो मैश होने का ख़तरा था। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाला, कुछ आलू बुखारा और लेमन कट करके रखा था, वो भी मैंने इसके अंदर साथ ही ऐड कर दिया है। तो बस अब इसको जो है वो भूनूंगी इंशाल्लाह। तो साथ ही साथ मैंने जो वो दही के अंदर बिरयानी मसाला मिक्स किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो बस फिर एक साथ ही जो है वो स्पाइसेस, नमक, काली मिर्च एक्सेट्रा जो मैंने इसके अंदर और स्पाइसेस ऐड करने थे वो भी ऐड कर दूंगी, और साथ ही साथ जो है इसकी भुनाई करती रहूँगी। मसाले को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। मैंने तकरीबन 7 कप जो चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है 6 से 7 चम्मच ही मैंने नमक यहाँ पे ऐड किया था। ये चम्मच मेरा थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ 7 चम्मच ही ऐड किया था, और यखनी के अंदर भी मैंने 2 चम्मच नमक ऐड किया था। तो लेटर ऑन अगर कुछ कमी बेशी रहती है तो हम चेक कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने काली मिर्च ऐड की थी, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ही मैंने जो है वो गरम मसाला पाउडर जो है वो ऐड किया था। यखनी में भी मैंने इसकी काली मिर्च और साबुत मसाले थोड़े से ऐड किए थे, तो लेटर ऑन आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस कम लग रहे हैं तो आप उसको फिर और डाल सकते हैं। तो कम की तो हमारे पास ऑप्शन होती है, अगर कम चीज़ लग रही है तो
उसको बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डल जाती है तो फिर ऑप्शन नहीं होती उसको कम करने की। सो बेटर कि आप नॉर्मल रखें और बाद में हंस पे ज़रूरत जो है अगर आपको कमी बेशी फील हो रही है तो आप फर्दर ऐड कर लें। तो बस अब सब स्पाइसेस भी इसके अंदर जा चुके हैं, सब वेजेस भी इसके अंदर जा चुकी हैं, चिकन भी तकरीबन हमारा कुक है। बस इसकी अच्छे से भुनाई करनी है कि घी जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो जब घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो यखनी रेडी की थी वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे। यखनी जो मैंने ऑलरेडी उसको जो है वो छान लिया है, तकरीबन 7 कप चावलों की हिसाब से डबल अगर आप देखा जाए तो वो 14 ग्लास बनते हैं, तो मैंने 11 कप जो है यखनी का पानी जो है मैंने वो रख लिया था। अगर आप जो है कम चावल बना रहे हैं, 1 kg राइस बना रहे हैं, 2 कप चावल बना रहे हैं, 3 कप चावल बना रहे हैं, तो आप उसकी डबल क्वांटिटी यूज़ करें। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रहे हैं तो चावलों की साथ जो मकदार पानी की होती है उसको थोड़ा सा कम कर लें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 कप चावलों में जो है ये 11 कप जो है वो पानी जो है वो ऐड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेट वॉज़ परफेक्ट माशाल्लाह। तो इस स्टेज पे आप चेक कर लें, अगर आपको नमक कम फील हो रहा है तो आप ऐड कर लें। लेटर ऑन चावल ऐड करने के बाद भी आप एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि चावल भी जो है वो फिर जाके जो है वो स्पाइसेस में जब मिक्स होते हैं तो फिर ज़्यादा सही अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा अगर आप यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, तो मैंने राइस जो है उसके अंदर से वाटर निकाल लिया था तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं माशाल्लाह। तो बस हल्के हाथ के साथ आपने चावलों को मिक्स कर लेना है कि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे, और वेट करना है कि जब तक आपका वाटर कम्प्लीटली ड्राई हो जाए और चावल अच्छे से गल जाए तो फिर बस हम इसको दम दे देंगे इंशाल्लाह। मैंने यहाँ पर चिकन थोड़ा सा वो सेपरेट कर लिया था जो बोनलेस पोटी थी अबान के लिए जो है वो मैंने क्लब सैंडविचेस रेडी करने थे उसके लंच के लिए। तो अब माशाल्लाह वो एक न्यू जो है वो चैप्टर्स लाइफ का स्टार्ट हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर पानी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया था और राइस भी तकरीबन 80% कुक हो गए थे। तो मैंने बस तवा रख दिया देगची के नीचे और ज़रदा रंग मैंने ऐड किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया है पुलाव वर्सेस बिरयानी बना रही हूँ। तो ये जब इसको 15 से 20 मिनट के बाद मैंने दम उसका खोला तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का दम आया था और खिले खिले से चावल बने थे। तो मैंने इसको एक बड़े थाल मेरे अपने पास रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने जो है बगैर इसको चावलों को हिलाए मैंने देगचे को वो थाल में निकाल लिया था जितना ईजीली आ रहा था, बाकी चावल देगचे में थे। तो बस अब बॉक्सेस जो है उनको फिल किया तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के चावल बने थे, खिले खिले से चावल बने थे और बहुत अच्छा माशाल्लाह उसको जो है वो दम भी आया था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल लव इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।